एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हिमालयन कॉलिंग व्लॉग्स में। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है यार, ये होने वाला है एक्सपल्स बाइक के ऊपर। और आप सभी को जैसे कि पता ही है हमारा बाइक रेंटल का काम है, तो एक बाइक और जुड़ गई है हिमालयन कॉलिंग फैमिली में। तो एक्सपल्स के ऊपर आज व्लॉग बनाएंगे, बैटरी गोप्रो में हालांकि कम ही है। तो अभी जा रहा हूँ बाइक के पास, घर से निकल गया हूँ, सुबह के बज रहे हैं 7, तो जल्दी उठ गया था, अभी निकल रहे हैं, तो मिलते हैं बाइक के ऊपर। यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई के चैनल को, है ना। और इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो आप लोग इतने दिनों से, तो आगे भी प्यार दिखाओ यार। बहुत सारी वीडियोस ऐसी लेके आऊँगा ना, आप लोग उन लोगों को लाइक करते हो, उन लोगों को शेयर करते हो ना, सब्सक्राइब उन लोगों को करते हो जो लोग आपको सिर्फ अपना घर दिखा रहे होते हैं, अपना ये दिखा रहे होते हैं, हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते क्या पीते। यार उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है वो चीज़ ब्लॉगिंग करना, बट चलो ठीक है, वट एवर। बट यार भाई देखो, तुम्हारे को इतनी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, शिमला आओ, हर एक जगह दिखा रहा है कि यहाँ आओ, यहाँ पे सस्ता मिलेगा भाई, अच्छा मिलेगा, टिकाऊ मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, है ना। वो चीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, फिर थोड़ा दुख होता है। बारिश भी लग गई है थोड़ी थोड़ी, तो पर कोई नहीं, ट्रायल तो हो ही जाएगा। सो बाइक पे आवाज़ मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, बारिश हो से पहले हम बाइक का ओवरऑल रिव्यू जो है वो कर लेते हैं। तो भैया जी, बाइक कुछ ऐसी है, एक्सपल्स 200। अभी इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, यहाँ लगाई थी मैंने शाम को, रात को काफ़ी लेट पहुँचा यार, एक्चुअली शिमला में थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया था। चलते हैं, मिलते हैं बाइक के ऊपर। तो भाई स्टार्ट करते हैं बाइक को, परफॉर्मेंस इसकी मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मतलब जो ये वाले रास्ते हैं, जैसे ऑफ रोडिंग रास्ता है और फुली ऑफ रोडिंग है, जैसे कि यहाँ देखो कैसा रास्ता है मेरे घर के लिए। तो मेरे को बुलेट चलाता हूँ ना, जब बाइक बुलेट चलाता हूँ 350 क्लासिक, तो उसमें यार ऐसा लगता है कि यार हाँ बाइक ना इधर उधर भागेगी, तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि बुलेट है यार भारी है। एक्सपल्स का क्या है ना, हल्की है थोड़ी और मज़ेदार है यार। मतलब देखो बिल्कुल आराम से जा रहा हूँ यार, मैं बिल्कुल फकत आराम से जा रहा हूँ, बहुत आराम से जा रहा हूँ मैं, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। मैं यहाँ पहुँच भी गया ग्राउंड में, अब ग्राउंड में चलते हैं बाहर। तो बम्प है ना आगे, कितने प्यार से लेगी बम्प को, ये बात है, ये बात है। मज़ा आ गया, नो डाउट। आजकल ये ना यहाँ पे ग्राउंड का काम चला है, तो मतलब खुला कर रहा है इस ग्राउंड को, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बन जाएगी फिर यहाँ पे भी। तो दोस्तों ये बात है कुछ ऐसी अपने एक्सपल्स की। ऑटो कट हो जाता है स्विचेस का। तो यहाँ मैं आ गया था ग्राउंड में, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, हमारा फैमिली का न्यू मेंबर खड़ा है। तो इसका नंबर यार बहुत प्यारा नंबर है, नंबर आप देख सकते हो 420। चलो नंबर की कोई बात नहीं है, बहुत प्यारा नंबर मिला है। तो यार मैंने ना रात को मतलब जैसे एक्सपीरियंस किया इस बाइक के बारे में, तो मेरे को यही लगा ना एक चीज़ यार, देखो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा बाइक के हैं। एक तो एवरेज अच्छी देती है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन, मेरे पास हिमालयन भी है, हिमालयन के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। देखो एक तो इसमें किक दे दी है, क्योंकि भाई बारिश हो रही है बहुत गंदे वाले तरीके से, और मैं जल्दी से जल्दी निकलूँगा।
देखो इसमें एक तो किक दे दिया है, क्योंकि जब स्पीति जाती है रेंटल पे बाइक हमारी, तो किक बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है वहाँ पे, क्योंकि बाइक ना यार ठंडी हो जाती है, और सुबह सेल्फ स्टार्ट लेना मतलब बंद होता ही नहीं है, सेल्फ स्टार्ट होता ही नहीं है बाइक में, ठीक है। और जो इसमें अभी किक दे दी है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि ये मतलब जो स्पीति में है मतलब कभी भी बंद नहीं होगी, और मतलब सेल्फ अगर ना भी ले रही है तो एटलीस्ट हमारी जो बाइक है वो किक से स्टार्ट इजिली हो रही है, ठीक है। और सेकेंडली चीज़ मेरे को इसमें ये चीज़ बुरी लगी ना यार, हीरो ने पूरी बाइक बहुत अच्छे से बनाई है नो डाउट, हेडलाइट जो दे दी वो बहुत ज़्यादा कम दे दी यार, बहुत ही ज़्यादा कम दे दी। मैं रात को आया ना, मैंने ओवर हेडलाइट्स इसमें लगवाई हुई थी भैया ने, मैं वो जलाई यार, ठीक है। इसके बिना अगर मैं होता तो फॉग इतनी थी मतलब मैं आ ही नहीं पाता कहीं भी, हिल नहीं पाता। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत ज़बरदस्त है ना। थोड़ा सा इसमें एक और दे दिया कि ये जो इसमें इसका स्नॉर्कल है थोड़ा सा नीचे दे देते तो इसमें लगेज कैरियर इजीली फिट हो जाता है ना। तो दो तीन चीज़ें इसमें ऐसी है ना, मतलब कि मेरे को जो लगती है कि नहीं ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो एडवेंचर्स हिमालयन कॉलिंग का ये नया मेंबर है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सिर्फ इतना सा रिव्यू देना चाह रहा था कि जो भी एक्सपल्स लेना चाह रहा है या प्लान कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बाइक है नो डाउट, अगर वो एडवेंचर लवर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करो यार भाई के चैनल को, और मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ आने वाले टाइम में भी। मेरा अपना एक बहुत बड़ा प्लान है फील्ड में आने का, तो जल्दी ही अपना भी एक रिजॉर्ट आएगा, अभी उसमें काम चला है, उसके भी ऊपर एक व्लॉग आएगा, ज़रूर आएगा। तो गाइज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने भाइयों को फैला दो यार, भाई को फैला दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।